everyone, welcome or welcome back to my channel. So this video it is all about DIY skin care, body care and lip care. So agar aap body scrub bolo, face scrub bolo aur agar aap face pack bolo ya fir aap lip scrub bolo to unme bahut zyada amount aapko invest karna padta hai ek acha quality ka brand lene ke liye. तो बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हुए आपको अच्छी चीज नहीं मिल सकती. तो क्या हो अगर हम इस चीज को घर पे ही बना ले. सो मैं एक्चुअली यूज करती थी काफी ज्यादा एमडाफिन का बॉडी स्क्रब एंड फेस स्क्रब. लेकिन क्या होता था ना, खत्म हो जाने के बाद जब फिर से जब मैं उसको परचेज करने जाती थी तो मेरे पास उतना पैसा होता नहीं था परचेज करने के लिए. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर उस चीज को आप बोलो तो. काम बहुत अच्छा करता है लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वो, तो हम उसमें नहीं जाते हैं. मतलब उतना ज्यादा बजट हमारा है नहीं. तो इसी वजह से मैं घर पे एक बॉडी स्क्रब बनाती हूँ, एक लिप स्क्रब बनाती हूँ और एक मैं फेस पैक बनाती हूँ. फेस पैक या फिर फेस मास्क आप बोल सकते हो मैं बनाती हूँ, जो मैं आई थिंक 6 मंथ से मैं यूज कर रही हूँ और इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है. आई थिंक अगर आप देखोगे मेरे स्किन को ना, तो मेरी स्किन में एक्चुअली कोई भी दाग नहीं है, कोई भी सिंगल एक स्पॉट नहीं है और ना ही मेरे बॉडी पे कोई स्पॉट है बिकॉज ऑफ द जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ उसमें. और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको किचन में मिल जाएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. अगर आपको चाहिए एक बजट फ्रेंडली फेस स्क्रबर, लिप स्क्रब और एक फेस मास्क, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो. बाय द वे मैं बहुत ज्यादा शो कर रही हूँ अपने नेल्स को बिकॉज ये नेल पॉलिश मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर ये. और मेरे एक्चुअली नाखून ज्यादा बड़े है नहीं, छोटे छोटे है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा निखर के आता है. बिकॉज ये एक्चुअली एलिटीन का है, मैं बोल दू पहले 55 रुपीज से मैंने इसको परचेज किया था एलिटीन का नॉर्मल मार्केट से. सो या तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ कैसे बनाना है, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बोल दूंगी तो आप अपने मुताबिक उसको यूज कर सकते हो. क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी ना, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर मैं बनाऊंगी तो वेस्ट जाएगा वो. क्योंकि इस बॉडी स्क्रब को, फेस मास्क को और लिप स्क्रब को आप ज्यादा मतलब प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, 4 महीने एटलीस्ट आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो. अगर फ्रिज हो तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम चला जाएगा, मतलब ज्यादा दिन आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, वरना आप 4 महीने उसका पकड़ लो कि 4 महीने में वो आपको खत्म करना है. बॉडी स्क्रब के लिए हमें चाहिए ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, आप पैराशूट कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है. लेकिन मैं ऑलिव ऑयल मैं यूज करती हूँ क्योंकि वो मेरे पास था, तो इसी वजह से जो मैं कोल्ड ऑलिव ऑयल जो है जो बालों में भी यूज करते हैं उसको मैं उसमें यूज करती हूँ. और हनी चाहिए आपको और शुगर चाहिए आपको. शुगर मतलब वो बारी दाने दाने वाला शुगर नहीं, अगर छोटा दाना हो मतलब एकदम दिखाई ना दे वैसा दाना, या फिर आप थोड़ा सा मिक्स में उसे पीस लो तो वो एकदम डस्ट बन जाता है वो. और कोई लिक्विड बॉडी वॉश, मतलब कोई भी जो भी आप लिक्विड बॉडी वॉश यूज कर सकते हो उसको आप यूज करो उसमें. तो क्या होता है ना, जब बाथरूम में जाके आप स्क्रब करोगे अपने बॉडी को तो वो जो लिक्विडी बॉडी वॉश है वो भी थोड़ा उसमें घिसेगा. तो घिसने के बाद क्या होगा, आप बाद में आप साबुन का यूज कर लेना, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा ना, वो एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को. और बहुत ज्यादा हनी का काम है ग्लो करना, शुगर का काम है आपके स्किन को एक्सफोलिएट करना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना. जितना बॉडी स्क्रब करोगे उतना अपना ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो ज्यादा स्पीड में होता है. और स्ट्रेच मार्क्स, एक्चुअली मुझे पसंद है स्ट्रेच मार्क्स, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स जो है उसको भी एकदम गायब कर देता है अगर कॉन्स्टेंट आप 6 मंथ करो, हफ्ते में 2 बार, तो वो एकदम गायब कर देता है. क्योंकि मेरे थोड़े ब्रॉड शोल्डर है और मैं थोड़ी सी हूँ एक्चुअली चबी, तो इस वजह से क्या होता है ना, मेरे यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आ जाते हैं. तो हम मैं उसको यूज करने के बाद आई थिंक 6 मंथ हो गए, बहुत ज्यादा एकदम लाइट हो गया वो स्ट्रेच मार्क्स, वो दिखाई भी नहीं देता. और ऑयल क्या करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा. जब आप देखोगे बचपन में किसी बच्चे को उनकी माँ नहाने मतलब नहाने के बाद उन बच्चों के ऊपर ऑयल का यूज करती थी, तो वो ऑयल एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आपको सन से भी गार्ड करता है एक्चुअली. मतलब ये मेरी मम्मी ने बताया था, सरसों का तेल बचपन में मैं जब छोटी थी तो मेरे ऊपर लगाया जाता था और मैं एकदम भी काली नहीं पड़ी सच्ची में उस टाइम पे. मुझे बस सब बोलते थे काली हो जाएगी काली हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे मैं बिल्कुल काली नहीं हुई. जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो और भी ज्यादा मतलब मेरी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करने लगी. तो आप सरसों का तेल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है, शायद आपके स्किन में थोड़ा चिपचिपाहट महसूस हो तो वो किसी को पसंद नहीं है. तो आप नॉर्मली पैराशूट ऑयल का यूज कर सकते हो या फिर कोई ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हो. और सेम यही स्क्रब को आप अपने लिप पे लगा सकते हो और थोड़ा सा फ्रूट कलर उसमें ऐड कर देना. जबकि आप लिप के लिए थोड़ा सा स्क्रब निकालो, उस स्क्रब में आप थोड़ा सा फ्रूट कलर, पिंक रेड कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा प्रिटी कलर एक आता है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है स्क्रब करने में लिप पे. तो मैं एक्चुअली करती हूँ और मेरे लिप काफी प्लम्पी है, बहुत ज्यादा प्लम्पी है. वो कैमरा में कैप्चर नहीं होता ठीक से, लेकिन सामने से अगर आप देखोगे मेरे लिप्स को तो बहुत ज्यादा प्लम्पी और मॉइस्चराइज बेस है मेरा लिप. तो जब भी आप रब करोगे स्क्रब को लेकर अपने लिप के ऊपर, वो जो नॉर्मल
में से छाले, छाले नहीं होते व्हाइट कलर के, वो भी बिल्कुल निकल जाते हैं। और पिगमेंटेड एरिया पे ज्यादा फोकस करना, मेरे मुंह के यहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंटेड है, थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट नहीं मैं बोलूंगी रेड स्पॉट है, तो उसको भी ये एकदम हल्का कर देता है। मतलब यूज करने के बाद आप तुरंत ही महसूस करोगे कुछ तो था यहाँ पे जो अभी नहीं है। सो ये थे हमारे बॉडी स्क्रब और हमारे लिप स्क्रब। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास मैंने जो एम कैफिन का बॉडी स्क्रब परचेज किया था वो जो कंटेनर था उस पर ही मैंने बॉडी स्क्रब को डाला है, और एक छोटा सा कंटेनर लेके उसमें मैंने अपनी लिप स्क्रब को डाला है, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर उसमें ऐड कर दिया है ताकि अच्छा लगे देखने में, काफी अच्छा लगता है जब आप बॉडी स्क्रब करोगे। यू जस्ट फील लाइक अ फेदर, मतलब ऐसा लगेगा आपकी स्किन एकदम मुलायम हो चुकी है। अगर मेरे पास अभी मैं करती, मैं अभी नहा के जस्ट आई हूँ तो अभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं अगर करती कैमरे के सामने तो देखना बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको कैमरा में ही नजर आ जाता है, इतना अच्छा है ये। नेक्स्ट इज फेस मास्क। तो हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेस मास्क हमें मिलते हैं जो काफी ज्यादा आई थिंक 100 भी एक्सपेंसिव भी होता है, अगर मैं बोलूँ जो इनकम नहीं कर रहे हो, जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिनका अभी अभी रिसेंट जॉब नहीं लगा है, तो उनके लिए भी, उनको भी स्किन केयर करने की बहुत जरूरी है। एक्चुअली 18 साल के बाद आपकी स्किन के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वरना आपका स्किन डैमेज हो जाना शुरू होता है। तो फेस मास्क जब आप यूज करते हो तो उसमें एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती जो मैं मैनेज कर लेती हूँ, शायद मैं आपको बोलूंगी तो आप भी मैनेज कर लोगे। फेस मास्क जब आप यूज कर रहे हो ना उस पे जो टोनर लगा हुआ है वो काफी ज्यादा वेस्ट जाता है। अगर एक फेस मास्क को आप एक ही टाइम पे यूज करो तो मैं क्या करती हूँ, एक व्हाइट कलर का कंटेनर मैंने लिया हुआ है, तो उसपे मैंने क्या किया है, जो फेस मास्क मैं यूज करती हूँ पहले पूरा ऑयल मतलब सॉरी पूरा टोनर मैं निकाल के उसमें रख देती हूँ, पहले पूरा निचोड़ के एकदम उसमें निकाल देती हूँ, उसके बाद उस टोनर में मैं थोड़ा सा गुलाब टावर गुलाबरी या फिर कामा आयुर्वेदा का जो रोज वाटर है, प्योर रोज वाटर है, उसको मैं उसमें डाल देती हूँ और मैं स्प्रे कर लेती हूँ अपने चेहरे पे रात को सोने से पहले। तो फेस मास्क की एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती जो मैं मैनेज करती हूँ, वो क्या होता है ना, जब फेस मास्क आप यूज कर रहे हो अपने चेहरे पे तो बहुत सारा सीरम उसमें रह जाता है, ठीक है ना, बहुत सारा सीरम उसमें रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ फेस मास्क को यूज करने से पहले, पहले मैं पूरा सीरम एक बोतल में, व्हाइट कलर की मेरे पास एक बोतल है, उस बोतल में पूरा निचोड़ के मैं सीरम को रख देती हूँ, उसमें थोड़ा सा कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर मैं डाल देती हूँ और फिर मैं उसको शेक करके रख देती हूँ रात में सोने से पहले। स्किन केयर मेरा वही होता है, मैं स्प्रे कर लेती हूँ, ऊपर एक लोशन लगा लेती हूँ। तो आप इस चीज को करने से क्या होगा ना, जो सीरम होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड जो है वो सीट मास्क का, जो भी आप सीट मास्क यूज करो उनका सीरम बहुत ही काफी अच्छा होता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है। मेकअप से पहले आप अगर यूज करते हो प्रेप हो जाता है आपका स्किन। तो अगर आपको नीड नहीं है, मतलब आपको खरीदना नहीं है, तो आप घर पे बना सकते हो, जो मैं कुछ टाइम से बना रही हूँ, एक दो महीने हो गए मैं बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझको मिला है। हफ्ते में एक बार या फिर दो बार मैं यूज कर लेती हूँ, वो थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैं लेती हूँ, नॉर्मल जो एलोवेरा जेल का वो ट्री होता है ना उसपे, उस लीफ से मैं एलोवेरा जेल को निकालती हूँ, उसके साथ में थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा राइस वाटर। राइस वाटर का काम इतना अच्छा होता है, आपका वो फेस मास्क हो, आपका वो स्क्रब हो, कुछ भी हो, टोनर हो, राइस वाटर बहुत अच्छा कमाल का काम करता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा राइस लेके रात भर भिगो के रख देना है, सुबह उठने के बाद राइस से वाटर को अलग कर दो, आप राइस को अपने पकाने के काम में ले लो, जो वो वाटर बचा रहेगा उसको आप उसमें डाल दो, और एकदम थिक पेस्ट आपको बनाना है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा, जो लैक्मे पीच मॉइस्चराइजर का जो टेक्सचर नहीं होता है उसको बिल्कुल वैसा का गाढ़ा आपको बनाना है उसको, और फिर उसको अपने चेहरे पे आपको ऐसे अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप उसको बना के 2-3 महीने तक आप रख सकते हो, फ्रिज में खराब बिल्कुल नहीं होगा, और वरना आप उसको जब भी आपको चाहे, मतलब जब भी आपको मास्क यूज करना हो तो आप उसको बना लेना, इंस्टेंट है वो। अप्लाई करने के बाद 2-3 घंटे आप उसको फेस में रखो, उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा ठंडे नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, गर्म पानी से नहीं। तो जब भी आपको अपना फेस वॉश करना है तब भी आप हमेशा कोल्ड पानी से यूज करो, गर्म पानी से बिल्कुल नहीं, वो स्किन में बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है स्किन को। हमेशा कोल्ड पानी का यूज करना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है चेहरे के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फेस टोनर। तो फेस टोनर में हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको प्लेन राइस वाटर चाहिए और रोज वाटर, और कुछ भी नहीं। आपको कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर अगर ज्यादा एक्सपेंसिव आपको लगता है तो डाबर गुलाबरी का आप लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों को एकदम मिक्स कर लो, दोनों को शेक करके रख दो महीने टू महीने, मतलब जितने महीने हो सके आप रख दो, कुछ नहीं होता है। नॉर्मल फ्रिज में नहीं रखना है आपको, नॉर्मल ऐसे ही रख दो, कोई खराब नहीं होगा। फ्रिज में रखोगे तो ठंडा ठंडा यूज करने से बहुत अच्छा होता है स्किन को। अगर नहीं आप कर सकते तो नॉर्मल अपने जहाँ पे अपने सारे
कॉस्मेटिक की चीजें रखी हुई है अपने वहां पे रख देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको यूज करो, ओवरनाइट यूज करो, मतलब रात में सोने से पहले स्प्रे कर लो अपने चेहरे पे। मैं हमेशा ऐसी टाइप की एक बोतल कैरी करती हूँ जिसमें मेरा रहता है। ये एक्चुअली सैनिटाइजर बोतल है। आप मार्केट पे जाओगे अगर यहाँ पे ढूंढोगे सैनिटाइजर बोतल रखने के लिए, मतलब सैनिटाइज रखने के लिए बोतल चाहिए, तो आपको स्प्रे वाला ये बोतल आपको छोटा सा मिल जाएगा, काफी ज्यादा हैंडी है। जैसे ऐसे ऐसे स्प्रे कर देना रात में सोने से पहले, और सुबह उठ के अपनी स्किन को देखना, आपको लगेगा कोई अलग इंसान है मिरर के सामने। इतना ज्यादा सॉफ्ट, इतना ज्यादा प्लम्पी, और जो मार्क्स है ना, मतलब बहुत साल पहले, आई थिंक 3-4 साल पहले मेरे स्किन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। मतलब क्या होता है ना, जब भी मेरे स्किन पे पिंपल आता था तो वो एक मार्क बना के छोड़ के चला जाता था, ठीक है ना, ब्लैक कलर का मार्क। तो मैंने उस टाइम पे बहुत कुछ ट्राई किया था एक्चुअली, घरेलू मेथड, मतलब चंदन वगैरह ये सब मैंने ट्राई किया था, कुछ काम नहीं किया, हल्दी भी काम नहीं किया एक्चुअली, सच्ची मैं बोलूँ तो। मैंने यहाँ पे डॉक्टर की, स्किन के जो डॉक्टर है, मैं जहाँ पे रहती हूँ, उनको मैंने दिखाया, उनका मेडिसिन जो है वो काम किया। लेकिन क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था उनका मेडिसिन, और जब भी मैं उसको बंद करती थी किसी भी रीजन से, शायद मुझे नहीं लेना, अब तो ठीक हो गया, अब मुझे यूज नहीं करना, तो 1-2 हफ्ते बाद फिर से वो आ जाता था। तो बहुत ज्यादा मतलब डरावना था मेरे लिए कि मैं इसको हमेशा क्या यूज करती रहूंगी, क्या इतना चेहरे पे मेरे मेडिसिन जा रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया, तो हर सर्च में एक चीज उठ के आया जो कि था राइस वाटर। तो मैंने सोचा राइस वाटर एक बार ट्राई करके मैं देखती हूँ। मैं नॉर्मल गुलाब डाबर गुलाबरी वाटर को राइस वाटर में मैंने मिक्स करके एटलीस्ट 1 मंथ तक मैंने यूज किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, पिंपल तो गायब हो गया, वो तो अलग बात है, लेकिन वो जो मार्क था वो भी एकदम वैनिश्ड, जस्ट ऐसा था कि वो आया ही नहीं था कभी मेरे स्किन के ऊपर। मतलब इतना ज्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो हम बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे का वैसा मेरा स्किन हो चुका था, इतना अच्छा है राइस वाटर। तो आप चाहो तो नॉर्मल, अगर इसमें वेरी गुड, तो अगर इसमें आप कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मली राइस वाटर को आप ट्राई करो। ओ माय गॉड, आपकी स्किन इज लाइक ब्रीथ करेगी, ऐसा लगेगा, इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग, इतना ज्यादा ग्लोइंग लगेगा, बहुत ही बहुत ही कमाल का आपका स्किन लगेगा। सो ये थे मेरे कुछ घरेलू नुस्खे जो मैं ट्राई करती हूँ, आई थिंक बहुत महीने हो गए मुझे ट्राई करते हुए। इस चीज को बिल्कुल ट्राई करना, और मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करना कि आपके स्किन के ऊपर ये चीज कैसे काम कर रही है, तो मैं और भी शायद DIYs लेके आऊँ जो मैं एक्चुअल में करती हूँ। तो मैंने अभी कुछ शेयर नहीं किया है, मैंने ये फर्स्ट, आई थिंक मेरे इस चैनल पे फर्स्ट DIY मैंने शेयर किया है, और मैंने बना के नहीं दिखाया है, क्योंकि एज मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो वह वेस्ट हो जाएगा। सो या, सो थैंक यू so much for watching this video. I hope you like and enjoy this video. So if you did, then do not forget to subscribe to my channel, like this video, and I will see you in my next video. Till then, take care and bye.